था, ये कस्टमर का कहना था जिसका ये मोबाइल है तकरीबन 6 मंथ से ये घूम रहा था कारीगरों के पास, कभी उसके पास कभी उसके पास, लेकिन कोई भी हल नहीं करके दे रहा था। तो माशाल्लाह आज कितनी आसानी के साथ सर के तावत के साथ हम सब ने मिल के इसका मसला सॉल्व किया, बड़ी खुशी हुई हमें। अच्छा ये फोन है Huawei का मॉडल है, मॉडल कौन सा है? Y9 Prime 2019। अच्छा मसला ये टच नहीं कर रहा और यूनिट कम्बो इसका क्या है? नया लगा एल सी डी कम्बो लिखा है तो कम्बो भी इसको स्क्रीन टच एक साथ है तो कम्बो अभी ये ऑन हो रहा है, देखो टच नहीं चल रहा। इन्होंने चेक किया, दूसरा यूनिट ट्राई करने वो इसने चेक किया, ये आज टच सेक्शन हुआ तो देखते हैं आप कितना सीखे उसमें से। देखो ऑन हो गया टच काम, इनका कहना है कभी कभी शुरू भी कर लेता है, सही है तो हो सकता है देखते हैं, कभी कभी शुरू से कर लेता है तो इसको थोड़ा सा हम प्रेस करके भी देखते हैं पीछे से, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा कुछ भी नहीं। और पूर्ण हैंग नहीं है, हैंग जब हो ना तो वो फिर डिस्प्ले से बटन से क्या होता है लॉक अनलॉक नहीं होता, लेकिन टच काम नहीं करता। देखो हटा रहे ये किसके है, इसकी तो ऐसी भी नहीं है ना, वारंटी नहीं है ना, थोड़ा सा ये डाउट भी हो सकता है, ये यहाँ से अक्सर क्या होता है ये टैप लग जाती है तो इस वजह से भी ये मसला। एक मरतबा इसको भी निकाल लेते हैं ताकि क्या हो जाए क्लियर हो जाए, इसको मैं यहाँ पे चिपका रहता हूँ, ज़रूरत हुई तो वापस लगा लेना। अभी देखते हैं देखो फिर भी काम, तो टच का मसला आप 2-3 मिनट में पकड़ सकते हो, सही है तो देखते हैं। सबसे पहले इसका कूल टेस्टिंग करेंगे जल्दी जल्दी, कूल टेस्टिंग मैं करूंगा और बताना आपने हैं कि क्या क्या मसला है कहाँ पे हो सकता है। तो मीटर ये सबसे पहले लाइन है ऊपर का, सबसे पहले अगर इनकी लाइनों की बात करें तो ये हो गए हमारे कौन सा प्रोटोकॉल, हाँ जी SPI SPI प्रोटोकॉल में मूसी मतलब मास्टर आओ मीसू मतलब, और इसके बाद क्लाउड, उसके बाद CS मतलब चीफ, और कभी ये हो सकता है SS मतलब, उसके बाद रीसेट लाइन है, रीसेट लाइन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये मालूम है ना, और यहाँ पे इसका काम क्या है ये भी मालूम है ना। अभी इनमें से एक लाइन और होगा INT का काम मालूम है, INT और इनेबल में क्या फर्क है पता है? अभी देखो इनमें से ये दो लाइनों की डिफरेंट वैल्यू आएगी, सही है वो तो हम मान लेंगे INT और रिसेट, लेकिन बीच में जो चार लाइन है उसकी GR क्या नहीं चाहिए, उसके बाद वोल्टेज की लाइन है, इसमें GR आएगी सेम होनी चाहिए, कोई भी वोल्टेज हो सकते हैं उसमें भी, कोई भी GR हो सकते हैं, वोल्टेज भी चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4 को छोड़ के बाकी 6 का GR ले जाए। सबसे पहले ये करते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, कैमरा साथ में आते हैं 1, 2, 3, 4 यहाँ से थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ, से अगर अच्छा लाइट थोड़ा सा ज़्यादा लाइटिंग कम, और यहाँ से लाइट और कम कर ले, अच्छा अभी ठीक है सर 1, 2, 3, 4 को छोड़ के फिर हम किया लेंगे। सबसे पहले हमारा रीसेट लाइन था जी सर 700, और ये मीटर भी नज़र आनी चाहिए 786, उसके बाद हमारे प्रोटोकॉल की लाइन शुरू हो गई 786 ओके, उसके बाद 786 जो लाइट डिस्टर्ब कर रहे हैं बंद, हाँ कैमरा में ये बंद कर बताया अभी, तो पहले भी 786 दूसरे के भी उसके बाद 900 से क्या है, और जब भी कोई लाइन में मसला आ जाए तो उसके रेजिस्टेंस तब्दील हो जाते हैं, सही है दोबारा से चेक करते हैं, तो इसी लाइन में हमारा मसला हो सकता है, इसको हमने चलो ले लो, उसके बाद सेम और 10 वाले लाइन यहाँ से तीसरा
इस पे भी जी हाँ। अगर इस पे उल्टे जब चेक करें एक मरतबा, मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कर लेंगे। ये वाइब्रेट हुआ वो 20 से भी कर लो। यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा, तो ये वोल्टेज का लाइन सही है या नहीं है इस तरह हम नहीं दे कंफर्म हो सकते, सही है, क्योंकि जब इसके रिक्वायरमेंट में कमी होगी तो वोल्टेज सेम नहीं है। तो एक मरतबा डिस्प्ले के साथ हम इसको ऑन करेंगे। डिस्प्ले के साथ ऑन किया, देख रहे हो डिस्प्ले आ गया। अभी इसे हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, डिस्कनेक्ट कर लेंगे। अभी देखते हैं वोल्टेज। हमारी सारी लाइन के लगी हुई और फिर डिस्कनेक्ट करके देख लेते हैं, तभी ये सारी लाइन ओके एक ही लाइन में मसला। देखते हैं ये लाइन कहाँ से आ रहा है। हाँ, इसी लाइन में मसला है, ये वाला लाइन, ये लाइन है हमारा उसी मास्टर आउट स्लेव एन। मास्टर से ये लाइन आउट होगा तो स्लेव में एन हो जाएगा बराबर। तो चलो देखते हैं कहाँ से आ रही है। इस लाइन का कोई कंपोनेंट और से देखना है हमने। कोई भी कंपोनेंट नहीं, सीधा सीपीयू में सीधा से। देखो हमारा हो गया, ये हो गया सीपीयू और ये हो गया डिस्प्ले कनेक्टर। यहाँ से एक लाइन है जिसको हम कहते हैं मूसी मास्टर एन मास्टर आउट स्लेव एन। ये हमारा करंट है सीपीयू के इस एरिया से। तो अभी सिंपल सा है, जब ये टच हो जाता है तो रेजिस्टेंस सही है और काम शुरू। जब ये अलग हो जाता है तो अभी ये दबाने वगैरह से कभी भी काम नहीं कर रहे। पहले कुछ देर चलता था इसी तरह होते। अभी इसके हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो ये कि इसको उठा के भी बाल कर लें। सीपीयू है हमारा ब्लैक बेस्ट है, थोड़ा सा कर लो कोई टेंशन नहीं, लेकिन उसमें करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसका एक हमारे पास शॉर्टकट भी है, सही है। शॉर्टकट क्या है, ड्रिलिंग। अभी ड्रिलिंग किया आपके सामने दो सीपीयू की कि नहीं, जी सर। तो सब कर सकते हो, जी सर। ये कौन कौन कर सकता है अभी अच्छा जी हाँ हारून करेगा, एक हारून दूसरे हारून को दिखावा जाओ। हारून थोड़ा सा अपना तारू सामने से महबूब को उठा दे तो लोग कहते हैं सामने बैठाया होगा। जी मेरा नाम हारून है और लाहौर से हूँ, लाहौर में ही मेरी शॉप है। लाहौर में कहाँ पे, लाहौर में शामी पार्क। शामी पार्क जी। अच्छा चलो बैठ जाओ। ड्रिलिंग शुरू कर, ड्रिलिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है। 11 नंबर ब्लेड, अकेले 11 नंबर ब्लेड से भी कर सकते हैं लेकिन क्या होगा उसके लिए ड्रिलिंग। देख रहे हो इसका मॉडल है IRX6, ये मैकेनिक का है, लेटेस्ट मॉडल अभी चल रहा है। इसको क्लिक करेंगे, इसके साथ बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। 3 स्पीड है इसमें, 1, 2 और 3, और ये चार्जेबल है, यहाँ से टाइम सीधे चार्ज। तो चलो ओपन कर लो, पहले फोन को ओपन कर लो, अभी तक ओपन नहीं है। कैमरे के ऊपर पेच वगैरह लगे तो देखते हैं क्या होता है, रिकॉर्ड क्या निकलता है। अरुण ये तो यहाँ पे एक नट लगा है कैमरा के साथ, ऑफ ऑफ कैमरा है उसमें नट लगा। अच्छा पहले अरुण ट्रेनिंग किए नहीं सर, आज ट्रेनिंग मिले जी सर। ओके हम से इसको निकाल लो और फिर करते हैं सीपीयू थोड़ा सा माइनस कर लो। देखो अभी इस एरिया के मालूम करने के, देखो हमें पॉइंट चाहिए ये वाला थोड़ा सा इसके भी कई तरीके हैं। देखो एक तो ये जो कैपेसिटर लगा है ना, ये वाला, ये कैपेसिटर नहीं नॉर्मल कॉइल में हो सकता है, इनके कलर थोड़ा क्लियर नहीं है। इसके बिल्कुल ऊपर हमारा क्या है, ये पॉइंट है, एक तो ये हो गया, ये हमारे लिए एक निशानी क्या हो गई बन गई। इसके बीच में से बिल्कुल देख रहे हो सीधा लाइन। दूसरा इसके अगर आपका स्टेंसिल हो तो स्टेंसिल रख के इस पे हम क्या करेंगे कर लेंगे, वो भी क्लियर है। या हमें वैसे भी थोड़ा ज़्यादा एरिया करना होता है तो इस कैपेसिटर के इस सिरे और इस सिरे से हम इस तरह ड्रिलिंग कर लेंगे, और इसी के बिल्कुल इस के ऊपर जो हमारा पॉइंट आएगा सबसे पहले वाला, वो हमारा क्या होगा
और फिर उससे आगे जाके जो है ना जंपर वगैरह कर लेंगे। तो देखते इस ड्रिलिंग जब भी आपने काम करना होना तो आपके पास टाइम होना चाहिए, अगर टाइम नहीं है तो ड्रिलिंग। देखो जीआरसी सिर्फ इसलिए हम फैसला कर रहे हैं क्योंकि इसका हमें पहले से नॉलेज है, सही है? इसमें कितना जीआर आना चाहिए कितना नहीं, जिनको जीआर का नॉलेज नहीं है ना उनको डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहिए, सही है? ऐसा ना हो थोड़ा सा इधर से उधर वैल्यू मिले और सीधा ड्रिल, इस तरह नहीं करना। अच्छा इसका थोड़ा सा नीचे थोड़ा, अभी इसमें अगर हम देखें एक यहाँ पे रजिस्टर कोई कंपोनेंट दो यहाँ पे लगे हैं इनके और एक यहाँ पे, तो इनके अगर देखें तो थोड़ा सा क्या लग रहा है 12 इस साइड से देखें तो फिर भी थोड़ा सा क्या है, तो देख लो मॉडल सेम है। और इसमें रैम अलग है हमारी यहाँ पे, हाँ जी, और देखो हाँ जी, और इसमें हाँ सही है बिल्कुल सेम, ठीक है सर। थोड़े से कंपोनेंट के इधर उधर हो सकते हैं, बहरहाल एरिया हमारा यही है। ये जो दूसरा नार ये रजिस्टर ये कॉयल है देख रहे हो, और ये भी कॉयल है इसका, हाँ ये देख लो आपस में बीप दे रहे दोनों का, कैमरा सामने ओपन कर, ये हम देखेंगे कि आपस में बीप दे रहा है कि नहीं, ये कॉयल है कि नहीं, नहीं कॉयल नहीं है, ये कैप है, नहीं आपस कॉयल है, टच नहीं हो रहा है, चलो इस एरिया को थोड़ा सा कटर की मदद से हम काटेंगे क्योंकि इसने ड्रिल करना है, तो ब्लेड से जो ये हारू भाई ये जो पायल है बताइए क्या लगे, इसी के एरिया को सारा कवर, ठीक है सर। पहले अपने इनपुट लगाओ, नहीं वैसे मार उसी से कर, ये ड्रिल मशीन से कर, इससे थोड़ा सा ज्यादा एरिया भी आ जाए तो कोई टेंशन नहीं, अभी ड्रिलिंग स्टार्ट करेगा 80% इसका ड्रिलिंग करेगा मशीन से और बाकी और इस तरह सीधा नहीं पकड़ना ड्रिलिंग, ड्रिल को हमने इस तरह पकड़ना, आइए करेगा देखो ये ड्रिल है, ड्रिल इस तरह सीधा नहीं पकड़ना, इस तरह भी नहीं पकड़ना, ड्रिल को मुकम्मल सीधा इस तरह तभी काम होगा, सही है? एक लेवल में इस तरह करोगे तो आगे ज्यादा हो जाएगा और पीछे कम, आपने इस तरह एक लेवल में रखना है, ये अच्छा जंपरिंग हो गई, अभी कैमरा ऑन करो, कैमरा यहाँ पे कैमरा ऑन किया और देखते हैं ये अभी जेआर कैसे है, वहां से जंपर उठाया बैक साइड के लिए कम, यहाँ से जंपरिंग उठाए क्योंकि हारमोन का फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा सा स्क्रैचिंग वगैरह में टाइम लग गया, बार बार वेडियो हम पास बार बार कर लिया दूसरी साइड में, पहले इनका पहले ये मरतबा तो और बहुत ही खतरनाक सी पी ओ इनके सामने आ गया, बाकी सी पी ओ जो ग्रीन लेयर होता है वो बहुत ईजी होता है, सही है जी सर, दो हमने ग्रीन लेयर क्यों किया बिल्कुल ईजी, अभी जे आर चेक कर ली, अच्छा बगर होते कर लें, पहले जे आर इसका डिफरेंट आ रही थी, अभी देखते हैं कि जे आर कैसे है, इन चारों का आपस में जे आर सेम होनी चाहिए, पहले उसी का चेक कर लीजिए जहाँ पे जंपर लगाए, ये थोड़ा सा पीछे से पकड़ो ताकि नाखून बीच में जाए,
यहाँ की जी आर है हमारे कैमरे को छोड़ के मीटर को थोड़ा आगे पीछे कर लो, ये लाइटिंग कर 790 एक मिनट, वो लाइटिंग कर दो, क्लियर नहीं है 10 नंबर ये बाकी मीटर लेट प्लेट को रखो, ये मीटर लेट करो, नहीं बंद कर, नहीं बंद कर पीछे वाला, हाँ अभी क्लियर, अभी दोबारा चेक कर लो, इस पे आ रहा है 789 पास वाले का देखो 789 उसके पास वाले का देखो 789 उसके पास वाले का देखो 789 तो जी आर सेम हो गई कि नहीं, जी सर सेम, तो अभी देखते हैं, चलो जी वही यूनिट है उठा के लगा दिखाओ यहाँ पे कैमरा, ये जंपर लगा लिया और वही यूनिट है, इस यूनिट का हमने वो पेपर निकाल के यहाँ पे चिपकाया हुआ है, वो देखते हैं यूनिट 20 का तकरीबन ज़रा सेम थी, इस जंपर को यू मार्क्सिंग करेंगे थोड़ा सा, अगर इसके ऊपर लगा दिया जाए टैप सा तो अच्छा होगा, कोई टैप है इस साइड में क्योंकि तो सीपीयू से नीचे आएगा तो इसके कुछ अगर टैप मिल जाए तो अच्छा है, वरना ज़रूरत नहीं है, चलो करके फिर इसको सेव भी कर लेंगे, ये मार्क्सिंग वगैरह टोटल कर लेंगे, तो अभी देखते हैं, देखो हाँ नहीं ये वाला सिर्फ जी आर सी टच का मसला मालूम किया गया, सिर्फ टच का नहीं है बहुत सारे मसले हम सिर्फ जी आर से ही मालूम कर सकते हैं, ठीक, और ये स्क्रीन का टाइम नहीं लगेगा थोड़ा सा, आपको ये तो फर्स्ट टाइम डाल थोड़ा सा प्रैक्टिकल करो कि ना खराब किसी भी उठाओ 2-3-4-5 वो हो गया, मेन चीज़ ये है आपके दिल से जो चीज़ खत्म हो, देखो हारू भी फर्स्ट टाइम कर रहा है, चलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया तो लग गया, ठीक इस तरह पहले भी आपके थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो आराम से हो जाएगा, और ड्रिलिंग के लिए सिर्फ ड्रिलिंग मशीन और एक ब्लेड और बारीक सा जम्पर वायर जो आपको बोला एक कहाँ से आपको मिल सकता है, अभी देखते हैं डिस्प्ले वैसे ले रहे, देखो इतना ड्रिलिंग की और सब कुछ कर लिया क्योंकि फोन आने इसे फोन डेड है, होना बहुत कम चांसेस है कि आपके ड्रिलिंग में खून डेड हो रहे, वो ऐसा है कि आपने बिल्कुल अंदर ही ड्रिल कर लिया तो लाजमी बात है डेड हो गए, बाकी इसके अगर आपका कोई लैंड स्क्रेच हो जाए जंपरी हो सकती है, माइक उसको जरूरी है, अभी देखते इसको फॉर्मेट भी किया है इन्होंने जिनका फोन है तो देखेंगे, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा आगे जाने में, थोड़ा सा वेट करते हैं, हाँ हम मीटर देखो ये हाथ अटक गया, हाँ जी देखो ये रिस्टोर हो गया, अभी सेट पे टच करो और देखो टच काम कर दे रहा है, सिर्फ मालूम कर सकते हैं कहाँ पे मसला है और कहाँ पे नहीं, सही है मेरा को टच हमारा वर्किंग कर रहा है, देख रहे हो, तो हारून मजा आया जी सर बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई, फर्स्ट टाइम मैंने ड्रिलिंग की है, इससे पहले मैंने कभी नहीं की थी और सक्सेस हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मदद के साथ और आपके तामन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, ये कस्टमर का कहना था जिसका ये मोबाइल है तकरीबन 6 मंथ से ये घूम रहा था कारीगरों के पास, कभी उसके पास कभी उसके पास, लेकिन कोई भी हल नहीं करके दे रहा था, तो माशाल्लाह आज कितनी आसानी के साथ सर के तामन के साथ हम सब ने मिल के इसका मसला सॉल्व किया, बड़ी खुशी हुई हमें और मसला मालूम करने में 5 मिनट लगे जी सर, ऐसे ही लेकिन हल करने में टाइम तो थोड़ा सा क्योंकि फर्स्ट टाइम ड्रिलिंग करना था लग गए, लेकिन मसला मालूम करने में टोटल 5 मिनट ही लगे, ऐसे ही सही है, हाँ तो कर सब कर सकते हो जी सर, हम को इनाम देंगे इंशाल्लाह देंगे, दोगे अच्छा ये पूरा आ जाओ क्या कह रहे हो, यहाँ से बीच है तो यहाँ से अच्छा ये पुनीत का है और ये कह रहे हैं आरूप में इनाम भी दूंगा, सही है आ जाओ, तो उन लोग गलत किए इनाम मिलेगा माशा चलो क्लिपिंग, तो देखो इनाम इसलिए हो देता कि क्या हो जाए तसल्ली के लिए मनाने के लिए, सही है तो सबको मजा आया, इस तरह कैसा आएगा तो कर सकते हो, तो चलो मिलते हैं।